नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSE 2023, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र 2023। ये पोस्ट ऑफिस की बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा लाभ पा सकते हैं। किस तरह से आप इसे ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है, एलिजिबिलिटी क्या है, करंट में लेटेस्ट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट क्या ऑफर करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ में हमने एक कैलकुलेटर एग्जांपल के साथ में चार्ट आपसे शेयर किया है वीडियो के लास्ट में। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखें, पसंद आने पे लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम हमारे चैनल पर उपलब्ध है, LIC की भी स्कीम्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस प्लान का विश्लेषण करते हैं। फीचर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, गारंटीड रिटर्न मिलता है इसमें, इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड ईयरली पेएबल एट मैच्योरिटी, हर साल कंपाउंड होगा इंटरेस्ट आपका और मैच्योरिटी पे होगा आपको। जो भी आप निवेश कर रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में, उसमें 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स का आपको रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा ATC के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स है, ये भारतीयों के लिए है। सिंगल अकाउंट टाइप कैन ऑल्सो बी ओपन फॉर माइनर एज अबव 10 ईयर्स, अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी उपलब्ध है। सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट्स, अगर आप इसे ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो अप टू 3 एडल्ट्स ये आप ओपन करवा सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर NSE 2023, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के लिए आप कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका मैंडेटरी है। आप पोस्ट ऑफिस में जाके, करीबी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके फॉर्म फिल करके NSE की सुविधा ले सकते हैं, अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आप 1,000 रुपये से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी आप निवेश कर सकते हैं। रिटर्न क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट जो अभी करंट में डिक्लेयर हुई है 7.7% कंपाउंडेड ईयरली पेएबल एट मैच्योरिटी है, 7.7% बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन सोच रहे हैं, तो दोस्तों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में ज़रूर सोचें। मैच्योरिटी पीरियड, NSE कम्स विद अ फिक्स मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का फिक्स मैच्योरिटी है इसमें। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 7.7% विल बी पेएबल एट मैच्योरिटी, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट 7.7% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे मिलता है। ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, हमने लास्ट में एग्जांपल चार्ट कैलकुलेटर आपसे शेयर किया है, आप समझ सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर, यदि अगर समय से पहले बंद करवाना चाहें तो प्रीमेच्योर क्लोजर इज नॉट अलाउड बिफोर 5 ईयर्स एक्सेप्ट बिलो सिनेरियो, 5 साल के पहले आप इसे बंद नहीं करवा सकते हैं दोस्तों, प्रीमेच्योर क्लोजर अलाउड नहीं है। यदि अगर सिंगल अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये अकाउंट क्लोज हो सकता है, या फिर ऑन फोरफीचर बाय अप्लाइजी बीइंग अ गेजेटेड ऑफिसर, यदि अगर आपने इसे गिरवी रखा कर रखा है और पैसे उठा रखे हैं इसके अगेंस्ट में, तब भी उस कंडीशन में ये बंद कर हो सकता है। दोस्तों ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्रांसफ़र के केस में अगर जैसे जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है तो ये नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है, यदि अगर जॉइंट अकाउंट है और एक मेंबर की डेथ हो जाती है तो ये दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र हो जाता है, या यदि आपने इसे गिरवी कर रख रखा है किसी बैंक के अधीन तो भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। चलिए दोस्तों इसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड होता है, तो 5 साल लिया है, अमाउंट इन्वेस्टेड डिपॉजिटेड 10 लाख रुपए इनका निवेश है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.7% है, तो 10 लाख निवेश करने पे जो हमारा इंटरेस्ट अर्न होगा वो 77,000 रुपये अर्न होगा, और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा एक साल के लास्ट में 10,77,000 रुपये होगा। दूसरे साल के स्टार्ट में 10,77,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, इंटरेस्ट अर्न होकर 11,59,929 रुपये हो जाएगा। तीसरे, चौथे, पाँचवे साल इंटरेस्ट जो अर्न किया है वो ऐड होगा हमारे बैलेंस में, और आप 5 साल के अंत में आप देखेंगे जो 10 लाख हमने निवेश किया है 14,49,034 रुपये 14,49,034 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10 लाख का निवेश सेफ एंड सिक्योरली 14,49,034 रुपये तक पहुँच जाता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
इनकम टैक्स का रिबेट भी अवेलेबल है 1.5 लाख रुपए तक ATC में। तो दोस्तों अगर आप निवेश कर रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो NSE के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की और भी स्कीम्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, LIC, शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन, प्लान्स, स्कीम्स इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो कृपया करके हमारा चैनल आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो सारे प्लान्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, कृपया करके प्लीज़ आप चेक करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।